हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मूल विधि में आज हमारा जो टॉपिक है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध कौन कौन से होते हैं, तो शुरू करते हैं धारा 141। धारा देखिए, लोक प्रशांति के लिए धारा 141 से शुरू होता है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध में क्या है, धारा 141। धारा 141 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव का मतलब होता है जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों, ठीक है। और दूसरा कारण इसका क्या होता है, दूसरा खंड इसका होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आपराधिक बल से डराने का प्रयास करें, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आपराधिक बल से डराने का प्रयास करें, किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करें, तब विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, 6 महीने का कारावास, कितने का दंड है, 6 माह का कारावास। देखिए इसके लिए धारा दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, 143 में, धारा 143 में इसके लिए क्या दिया गया है, इसके लिए दंड दिया गया है, ठीक है। दंड कितने का है, दंड 6 माह का है, दंड 6 माह का है प्लस जुर्माना भी है, या तो दोनों है या दंड दे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है धारा 146। इसके बाद आता है धारा 146 में क्या है, समझ लीजिए, धारा 146 में दिया गया बलवा करना, क्या करना, बलवा करना। तो बलवा करना का मतलब क्या हो जाता है, जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग करें, जब विधि विरुद्ध जमाव, जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाए, बल या हिंसा का प्रयोग हो तब वहाँ पे क्या होता है, बलवा करना। देखिए विधि विरुद्ध जमाव द्वारा इसमें 5 व्यक्ति होते हैं, और जब 5 व्यक्ति द्वारा जब बल या हिंसा की जाती है, काट मार के लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं, तो बलवा उसको क्या कहते हैं, बलवा करना, उसको क्या कहते हैं, बलवा करना। तो इसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा किसमें है, 147 में, धारा 147 में इसके लिए क्या दिया गया है, दंड दिया गया है। तो इसके लिए दंड क्या है, 2 वर्ष का कारावास, इसके लिए कितना है, 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास है प्लस जुर्माना या दोनों, दंड भी मिल सकता है, जुर्माना भी मिल सकता है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक। फिर उसके बाद आता है धारा 159 में क्या है, धारा 159 में है दंगा। क्या है, दंगा। देखिए गांव में लोग कहते हैं दंगा हो गया, दंगा का मतलब ये नहीं होता है बहुत सारे लोग, दंगा में सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, दंगा में सिर्फ क्या होता है, 2 व्यक्ति होते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर लड़कर, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर लड़कर लोग शांति भंग करते हैं, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर व्यक्ति किसी लोक स्थान पर लड़कर शांति भंग करते हैं, ठीक है,
वहाँ पे क्या कहलाता है, दंगा कहलाता है। क्या कहलाता है, दंगा। जब दो या दो दो व्यक्ति कहीं ऐसी जगह पे लड़ने लगते हैं जहाँ पे शांति भंग हो रही हो, कोई अच्छी जगह हो, जैसे स्टेशन के पुलिस स्टेशन के पास लड़ने लगते हैं या डीएम कार्यालय के पास लड़ने लगते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर लड़कर शांति भंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भंग करते हैं, तो वहाँ पर दंगा कहलाता है। तो इसके लिए दंड जो है, इसके लिए धारा, दंड का प्रावधान धारा 160 में दिया गया है। किस में दिया गया है, दंड जो दिया गया है, दंड दिया गया है 160 में, दंड 160 में। इसमें क्या है, एक माह का कारावास, एक माह का कारावास दिया गया है, एक माह का कारावास। और इसमें क्या दिया गया है, या जुर्माना, या जुर्माना, वो भी जुर्माना इसमें कितना पड़ता है, जुर्माना 100 रुपये का, कितने का, 100 रुपये का, या तो दोनों, या दोनों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।